हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपनीज इन्फॉर्मर में। जी मैं बात कर रहा हूँ आशीष कुदाल। आज हम जानेंगे इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला के बारे में। टेस्ला आज दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों में से एक है। 19 साल पहले स्थापित हुई ये ब्रांड आज इलेक्ट्रिक कारों का पर्याय बन चुकी है। इलोन मस्क एक साक्षात्कार में बताते हैं कि आखिर इस ब्रांड नेम के राइट्स को खरीदने के लिए उन्होंने किस तरह की रणनीति बनाई थी। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मशहूर अमेरिका की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला आए दिन चर्चा में रहते हैं। कभी अपने एडवांस फीचर्स वाली कारों के चलते तो कभी ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम में आने वाली तकनीकी खराबियों को लेकर। हालांकि आज हम आपको इस ब्रांड के किसी मॉडल की नहीं बल्कि इसके नाम के पीछे की कहानी को लेकर आए हैं। आखिर किस तरह इलेक्ट्रिक वाहनों का पर्याय बनी टेस्ला को यह नाम मिला। साल 2003 में इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में एंट्री करने के बाद समय के साथ टेस्ला अब एक बड़ा नाम बन चुकी है। हालांकि बाजार में कई दिग्गज कंपनियां हैं जो कि इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करती है, लेकिन टेस्ला अपने एडवांस फीचर्स वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के चलते एक अलग मुकाम बना चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेस्ला ब्रांड नेम का अधिकार पहले से कंपनी के पास नहीं था, बल्कि इसे किसी और से खरीदा गया था। एलन मस्क ने एक साक्षात्कार के दौरान इस बात की पुष्टि की थी किस तरह उन्हें इस नाम के अधिकार को प्राप्त करने के लिए इसे किसी और से खरीदना पड़ा। टेक इम्पल्स के एक यूट्यूब शॉर्ट्स ने मस्क को टेस्ला मोटर्स के नाम के बारे में बात करते हुए दिखाया गया है, जिसमें मस्क बताते हैं कि यह नाम किसी अन्य स्रोत से आया है और उनके पास भी इस नाम का अधिकार नहीं था। टेस्ला ला रही है किफायती इलेक्ट्रिक कारें, जारी किया नया टीजर। जानिए भारत में एंट्री को लेकर क्या है तैयारी। टेस्ला के बॉस एलन मस्क ने कहा कि कंपनी जल्द ही दो नए इलेक्ट्रिक वाहनों को पेश करेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर बताना और कमेंट भी करें। धन्यवाद।